आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष रंजीत बच्चन की गोली मारकर हत्या। लखनऊ में दूसरी बार हुई हिंदू नेता की हत्या। प्रधानमंत्री की रक्षा करने वाले एसपीजी का बजट बढ़ा, 600 करोड़ हुआ है एसपीजी का बजट। मध्य प्रदेश में स्कूलों की हालत खराब, कमलनाथ सरकार आईफा अवार्ड में व्यस्त। कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल का बयान, कमलनाथ को बताया मध्य प्रदेश का सौभाग्य। और कांग्रेसियों का कलेक्ट्रेट में हंगामा, अपने ही लोगों और सरकार से है नाराज। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में अंतरराष्ट्रीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष रंजीत बच्चन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अपने एक दोस्त आशीष श्रीवास्तव के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। पहले से घात लगाए बैठे बाइक सवार दो बदमाशों ने सुबह करीब 6 बजे उनके सिर में ताबड़तोड़ गोलियां मारी। उन पर 9 mm पिस्टल से गोली मारी गई है। रंजीत की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। इस हमले में उनके दोस्त आशीष भी घायल हुए हैं। उन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज हो रहा है। लखनऊ के सबसे व्यस्त इलाके में हुई इस घटना के बाद दहशत का माहौल है। मामले की जानकारी मिलते ही मौके वारदात पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी में इस हत्याकांड के बाद पुलिस चौकन्नी हो गई है और हमलावरों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस की 6 टीम और क्राइम ब्रांच को हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए लगा दिया गया है। अभी तक हत्या की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। मूल रूप से गोरखपुर के रहने वाले रंजीत बच्चन हजरतगंज के OCR बिल्डिंग में रहते थे। वे समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी सक्रिय रहते थे। बताया जा रहा है कि ग्लोब पार्क से निकलने के दौरान उन पर हमला किया गया। बाइक सवार बदमाशों ने उनके सिर में गोलियां मार दी। गौरतलब है कि पिछले साल हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या उनके ही घर में घुसकर कर दी गई थी। दो बड़े हिंदूवादी नेताओं की हत्या के बाद अब यूपी में माहौल गर्मा गया है। इस हत्याकांड ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की कानूनी व्यवस्था को लेकर किए जा रहे बड़े बड़े दावों पर सवाल या निशान लगा दिए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने रंजीत बच्चन की हत्या को लेकर यूपी की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार को निकम्मा करार देते हुए योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा है। सरकार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए आवंटित विशेष सुरक्षा समूह के लिए दिए जाने वाले बजट में वृद्धि की है। अब एसपीजी का बजट 540 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 600 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पिछले साल के बजट में इसे 420 करोड़ रुपए से बढ़ाकर लगभग 540 करोड़ रुपए कर दिया गया था। वर्तमान में प्रधानमंत्री ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी सुरक्षा में 3000 एसपीजी के जवान तैनात रहते हैं। एसपीजी का बजट 540 करोड़ से बढ़कर 600 करोड़ किया गया है। एसपीजी प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा संभालता है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की सुरक्षा को लेकर पिछले साल नवंबर में समीक्षा की गई थी और उनको दी गई एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली गई थी। सरकार के सूत्रों ने गांधी परिवार द्वारा कई बार सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघनों का इशारा किया था। सूत्रों ने कहा कि राहुल गांधी रोजाना एक सुरक्षा नियम का उल्लंघन कर रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की एसपीजी सुरक्षा अगस्त में वापस ले ली गई थी। इसके अलावा दो अन्य पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा और VP सिंह को दी गई एसपीजी सुरक्षा भी वापस ले ली गई थी। एसपीजी की स्थापना 1985 में राहुल गांधी की दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के 1 साल बाद की गई थी। इस बल का काम प्रधानमंत्रियों की रक्षा करने का था। साल 1991 में राहुल गांधी के पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद पूरे गांधी परिवार को एसपीजी सुरक्षा दे दी गई थी। साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने एसपीजी के संचालन की समीक्षा करने का फैसला किया था। बैंक कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल की, जिसका असर भोपाल में भी देखने को मिला है। भोपाल की करीब 476 राष्ट्रकृत बैंकों की शाखाएं बंद रही। करीब 5000 बैंक कर्मचारियों के सड़कों पर उतरने से बैंक का कामकाज पूरी तरह ठप रहा।
भोपाल में बैंक की हड़ताल का असर सर्वाधिक देखने को मिला। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर 40,000 बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे। बैंक कर्मचारी 26 माह से लंबित वेतन पुनरीक्षण समझौता, 5 दिवसीय बैंकिंग, नई पेंशन योजना, पे स्लिप कंपोनेंट सहित 12 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़क पर उतरे। इस दौरान सभी ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदेश भर के कुल 40,000 बैंक कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर रहे। इससे प्रदेश भर में 7 लाख करोड़ और भोपाल में 1.5 करोड़ रुपए का लेन देन प्रभावित हुआ है। आगे भी बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की हड़ताल जारी रह सकती है। बैंक कर्मचारियों ने बताया कि हमारा उद्देश्य बैंक बंद कर लोगों को परेशान करना बिल्कुल नहीं है। केंद्र सरकार लंबित 12 सूत्रीय मांगे नहीं मान रही है। बार बार चेतावनी के बाद भी बैंक कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है, जिस कारण बैंक कर्मचारियों को सड़क पर उतरकर विरोध करना पड़ रहा है। हड़ताल में बड़ी संख्या में महिला बैंक कर्मचारी भी मौजूद रही। दिव्यांग महिला बैंक कर्मचारी व्हील चेयर पर आकर भी हड़ताल में शामिल हुई। मुझे वो दिन बहुत दूर दिखाई नहीं देता साथियों, जब ये IBA घुटने के बल बैठ के हमारी मांगों को मानेगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, ये क्या आप कंगले मध्य प्रदेश में आइफा का आयोजन कर रहे हैं और मध्य प्रदेश को गर्त में ले जा रहे हैं? यह तो आप जानते ही हैं, इसमें जितना पैसा खर्च हो रहा है उससे कई अस्पताल और स्कूल बन सकते हैं। वो स्कूल जहां कल का उज्जवल भविष्य निकल कर सामने आ सकता है। लेकिन आपको क्या, आपके लिए तो चकाचौंध जरूरी है। आपको इससे क्या कि सरकारी लापरवाहियों के कारण भले ही सरकारी स्कूल का भवन जर्जर होकर गिर जाए और स्कूल के बच्चे आंगनबाड़ी में पढ़ने को मजबूर हो जाएं, लेकिन आपके लिए तो आइफा ज्यादा जरूरी है। यह खबर मध्य प्रदेश के हर आदमी के लिए बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ आइफा का आयोजन करवा रहे हैं। सरकार के लोगों का मानना है इससे मध्य प्रदेश की छवि निखर के सामने आएगी और मध्य प्रदेश बदल जाएगा। यह सब उसी कहावत जैसा है कि जैसे घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। कमलनाथ और उनके मंत्री लगातार मध्य प्रदेश की तंगहाली का रोना रोते हैं। तंगहाली भी ऐसी कि न किसान का कर्ज माफ हो रहा है और न बेरोजगारों को भत्ता मिल पा रहा है। तमाम जनहित की योजनाएं दम तोड़ चुकी हैं। ऐसे में आइफा का आयोजन मध्य प्रदेश के साथ यहाँ के आम लोगों, गरीब गुरबी जनता के साथ मजाक जैसा है। ऐसे में हम दिखाते हैं मध्य प्रदेश की दूसरी तस्वीर, जहां सीहोर के आष्टा में पिछले 4 महीने से स्कूल भवन जर्जर पड़ा है और ऐसी हालत में है कि कभी भी भड़बड़ा के गिर पड़े। स्कूल के बच्चों को मजबूरन आंगनबाड़ी में पढ़ना पड़ रहा है। स्कूल टूट गई है तो इतनी 3 दिन से यहाँ पढ़ा रहे थे सर, और सर बीमार हो। ऐसे में एक तरफ आइफा है और एक तरफ सरकारी नाफरमानी। महिलाओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंप कर अपनी पीड़ा भी सुनाई, पर नतीजा वही ढाक के 3 पा। आष्टा के गुराड़िया कला गांव के प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय के जर्जर भवन को देखकर सरकार और शिक्षा विभाग के सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। स्कूल भवन पूरी तरह कंडम हालत में है, लेकिन ये बच्चे, इनके स्कूल सरकार की प्रायोरिटी में ही नहीं है। सरकार की प्रायोरिटी तो भाई आइफा है। गांव में स्कूल में बहुत दिक्कत आ रही है। पीछे से स्कूल पूरा खंडर हो गया है, उसका छत झुक गया है, बच्चा बच्ची उसमें मैं पढ़ा नहीं सकता। सर लोग, मैं रसोईया हूँ, बच्चा बच्ची के खाना खिलाती हूँ, तो स्कूल के सामने रोड पे है, उस पर खाना खिलाती हूँ बैठ के। और सर लोग भी डर के हमारे है, उसको बाउंड्री में पढ़ाता है। स्कूल के 19 बच्चे हैं यहाँ पर। अच्छा, यहीं पढ़ते हैं? हाँ, यहीं पढ़ते हैं। कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पर? वो सितंबर से ही लगान लग गए थे सर। सितंबर से ही थे? हाँ, क्योंकि बारिश होने के कारण ये स्कूल का गिरने का डर था। हाँ? इसलिए फिर उन्होंने, सर ने बोला कि मैडम हम यहीं पे लगाएं, तो उन्होंने, हमने मना किया था, तो उन्होंने बोला कि हमने वहाँ से BRC से परमिशन ले लिया, तो हम यहाँ पे लगाएं जब तक। आइफा वाली सरकार से ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि कभी भी स्कूल की इमारत गिर सकती है, इसीलिए जर्जर भवन को दुरुस्त करवाइए। इस मामले में जवाबदारों की माने तो स्कूल भवन अगले साल तक ठीक हो सकता है। वहाँ पर जो है भवन जो क्षतिग्रस्त है,
उसके लिए BRC के द्वारा सब लिखा पढ़ी कर दी गई है और बच्चों की अभी वर्तमान में व्यवस्था आंगनबाड़ी। कमलनाथ जी, आपके राज को एक साल हो गया है, लेकिन इस दौरान जरूरी चीजों की इस कदर अनदेखी की गई कि पूछिए मत। सबसे जरूरी शिक्षा और स्वास्थ्य के सबसे ज्यादा बुरे हाल हैं और आप हैं कि आईफा में लगे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने कहा कि मध्यप्रदेश का सौभाग्य है कि कमलनाथ मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अग्रवाल ने कहा आईफा अवार्ड से मध्यप्रदेश को भरपूर राजस्व मिलेगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने कहा कि यह मध्यप्रदेश का सौभाग्य है जो कमलनाथ मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी जितना हल्ला मचाएगी उतना फायदा कांग्रेस को मिलेगा। बीजेपी को पता ही नहीं है कि आईफा अवार्ड से कितना राजस्व प्रदेश को मिलेगा। निगम मंडलों की नियुक्ति पर अग्रवाल ने कहा कि फरवरी महीने में निगम मंडलों में नियुक्ति हो सकती है। इस मसले पर मुख्यमंत्री कमलनाथ और दीपक बाबरिया के बीच बातचीत हो चुकी है। देखिए, ये मध्यप्रदेश का सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी मिले हैं जो आईफा अवार्ड मध्यप्रदेश के अंदर करवाने जा रहे हैं। बहुत मामूली काम नहीं है आईफा अवार्ड करवाना, और मैं समझता हूँ ये गौरव की बात है मध्यप्रदेश के लिए। और इसमें पैसा कितना खर्च हो रहा है, वो तो कितना रेवेन्यू आएगा सरकार के पास में, इसका बीजेपी को कोई आइडिया नहीं है। बीजेपी सिर्फ हल्ला मचाना चाहती है, उनका हल्ला मचाना जायज है, क्योंकि उनके हल्ला मचाने से आईफा अवार्ड को मध्यप्रदेश के अंदर और ज्यादा क्रेडिट मिलेगी। संघ की समन्वय बैठक में सर संघ चालक मोहन भागवत के शामिल होने पर अग्रवाल ने कहा मोहन भागवत जहां जाते हैं वहां दंगे कराते हैं, भोपाल आ रहे हैं तो यहां की पुलिस जिला प्रशासन के अधिकारियों को सतर्क रहने की जरूरत है। छतरपुर कलेक्ट्रेट परिसर में युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उस समय जमकर हंगामा और नारेबाजी की जब प्रभारी मंत्री बिजेन्द्र सिंह राठौर जिला योजना समिति की बैठक ले रहे थे। मंत्री बिजेन्द्र सिंह ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को समझाया और उनकी समस्याओं के निराकरण की बात कही। जिला योजना समिति की बैठक में मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे थे, तभी बड़ी तादाद में युवक कांग्रेस कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष लोकेंद्र वर्मा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के अंदर घुस गए और जबरदस्ती जिला योजना समिति की बैठक में जाने लगे। कलेक्ट्रेट में मौजूद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की और इस दरमियान पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता का आरोप है कि कई बार शिकायतों के बाद जहां भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, वहीं विधायक कार्यकर्ताओं को अनदेखी करते हैं। भाई, कमलनाथ सरकार जब से बनी है उसको एक सवा साल होने को आया है। जैसे ही सरकार बनी थी तो हम लोगों ने नव अवगत कलेक्टर मोहित बुंदा जी को ज्ञापन सौंपा था छात्रावासों में जो अव्यवस्थाएं थी उनके खिलाफ, अगर वो चाहते तो एक साल में चमका देते छात्रावासों को, लेकिन ना तो उनकी कार्य करने की इच्छा शक्ति है और ना ही उन्होंने काम किया इस दिशा में। तो हमें पहले तो ये था कि हमें मंत्री जी के सामने उनको बतवाना था, तो हम लोगों ने ज्ञापन दिया। दूसरा, ये अंगद की तरह पैर जमा के जो बैठे हैं जिला शिक्षा अधिकारी जो DO शर्मा है, तो ये DO शर्मा के खिलाफ जितने भी सबूत थे कलेक्टर साहब को जब ज्ञापन सौंपा था ढोल नगाड़े लेके, तो उन्होंने कहा था कि हमारे सबूत लेके आओ। हम लोग आज जब सबूत लेकर गए हैं इसके बावजूद भी अगर वो सस्पेंड नहीं हुए तो फिर हम लोग मुंह काला करके ही मानेंगे। अभी तो बोला था करके देखेंगे। उपेक्षा का शिकार हो रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा करते हुए प्रशासन के खिलाफ अपनी भड़ास निकालते हुए नारेबाजी की और अपनी ही सरकार और विधायकों को कटघरे में खड़ा किया। वहीं प्रभारी मंत्री बिजेंद्र सिंह इस प्रदर्शन में नाराज दिखे और वो बैठक से बाहर आकर कार्यकर्ताओं से मिले। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जल्द ही समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया। युवक कांग्रेस के लोग हैं, उनकी कुछ परेशानियाँ थी, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। पिछले बार जो तय हुए थे चर्चा हुई, आज भी चाहे वो मिलावट के खिलाफ बात हो, चाहे वो माफिया की बात हो, चाहे प्रशासनिक जो कसावट की बात है वो बात हो, जो भी मुद्दे हैं सारे मुद्दों पे सबके साथ बैठ के बढ़िया बातचीत। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी सरकार की दूसरी पारी का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। समृद्धशाली विकास की दिशा में यह बजट ऐतिहासिक है। इस लोक हितकारी बजट पर भाजपा गुरु नानक मंडल ने प्रधानमंत्री को सामूहिक रूप से बधाई दी और खुशियों का इजहार आतिशबाजी और मिठाई बांटकर किया, साथ ही ढोल नगाड़े भी बजाए।
भाजपा मंडल के सदस्यों ने बजट पेश होने के बाद इस बजट को जनहितैषी बताया, जमकर आतिशबाजी की, मिठाई बांटी और ढोल नगाड़े बजाए, साथ ही सरकार का आभार व्यक्त किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश कुकरेजा ने कहा कि ऐतिहासिक आदर्श जनहितैषी विकास को आगे बढ़ाने वाले इस शानदार बजट के लिए देश की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करोड़ों जनमानस की ओर से हार्दिक बधाई। इस अवसर पर भाजपा नेता अभय पंडित ने कहा कि यह बजट युवाओं, किसानों, पिछड़ों, दलितों, मध्य वर्ग परिवारों के लिए हितकारी और मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर अनिल थारवानी, यतन मकवाना, आलोक भदौरिया सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन एक शानदार, एक ऐतिहासिक बजट नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा आज जो आया है, इसमें युवाओं के लिए, किसानों के लिए, जो मध्यम वर्ग परिवार है उनके लिए, सभी के लिए बजट में प्रावधान है। इस ऐतिहासिक बजट के लिए भारतीय जनता पार्टी गुरु नानक मंडल के माध्यम से यहाँ पर आतिशबाजी कर, मिष्ठान वितरण कर नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी गुरु नानक मंडल ने जोरदार आतिशबाजी करके केंद्रीय वित्त मंत्री और नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त। एनसीएल मुख्यालय के गेट पर कई मांगों को लेकर विस्थापितों ने धरना प्रदर्शन किया। यह 5 दिन से लगातार जारी है। उनका कहना है कि वे अब आगे इंतजार नहीं करेंगे, इसीलिए उन्हें तत्काल ज्वाइनिंग दिया जाए। जयंत परियोजना के समस्त विस्थापितों का जमीन एवं परिसंपत्तियों का समस्त मुआवजा भुगतान 1 महीने के अंदर किया जाए। सिंगरौली जिले के मेंढोली वार्ड क्रमांक 10 के विस्थापितों ने एनसीएल मुख्यालय के गेट पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 5 दिन से धरना दिया है। विस्थापितों का कहना है कि जिन मकानों का नाप जयंत परियोजना द्वारा किया गया है, उनका नोटिस और गणना पत्र तत्काल दिया जाए। जिन लोगों को नोटिस जारी किया गया है, उनका भुगतान 2016 में बने मुआवजा राशि के अनुसार किया जाए और जो कागजातों को एनसीएल मांग रहा है उसे तुरंत बंद किया जाए। आधार कार्ड और पासबुक के माध्यम से भुगतान किया जाए और दूसरे की जमीन पर बने मकानों में जमीन मालिक से सहमति लेकर भुगतान किया जाए। एनसीएल द्वारा रेट एवं कैलकुलेशन शीट विस्थापितों को ना दिए जाने के कारण मुआवजा उठाते समय उन्हें अंडर प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया जाए। दूधीचुआ परियोजना द्वारा ग्राम मेंढोली की जमीन का अधिग्रहण किया गया है, जिसका रेट काफी कम दिया गया है, जिसका पुनः अवलोकन किया जाए क्योंकि कलेक्टर गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया है। जयंत परियोजना के विस्थापितों के पैकेज डील के तहत जो फाइल 18 दिसंबर लास्ट डेट बताकर लगवाई गई है, उनको तत्काल ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए क्योंकि जमीन के एवज में नौकरी देने की कोई तिथि नहीं होती है। एनसीएल में जमीन के एवज में नौकरी पैकेज डील के तहत सन 1982 में अधिग्रहित जमीन, सन 1998 में अधिग्रहित जमीन और सन 2010 में अधिग्रहित जमीनों को पैकेज डील के तहत लगाया गया है। ऐसे में बहुत सारे विस्थापितों को पहले ही कई वर्षों तक इंतजार करना पड़ा है और अब आगे इंतजार नहीं कर सकते, इसीलिए इन्हें तत्काल ज्वाइनिंग दी जाए। जयंत परियोजना के समस्त विस्थापितों का जमीन एवं परिसंपत्तियों का समस्त मुआवजा भुगतान 1 महीने के अंदर दिया जाए। क्या मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुआवजा ये चोरी छिपे बांटना चाहते हैं? विस्थापितों को उनके हक की बात को ये बताना नहीं चाहते हैं और इसके साथ ही विस्थापितों को 10 वर्षों से ये लगातार परेशान कर रखे हैं। ये आए दिन कभी नंबरिंग करने जाते हैं, कभी वीडियोग्राफी करने जाते हैं, कभी सत्यापन करने जाते हैं। तो विस्थापित क्या अपना घर बार छोड़ के नौकरी चाकरी या दुनिया जो अपने जीविका के काम हैं वो छोड़कर इनका इंतजार करते रहें? और ये जब सब कुछ कर लेते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, और विस्थापित को भी कोई रिकॉर्ड नहीं देते हैं, जिससे विस्थापितों में भारी आक्रोश है। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर में सरपंच चुनाव से पहले सरपंच के पुराने घोटाले सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सामुदायिक भवन की मरम्मत के लिए स्वीकृत राशि का सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया है और भवन की सही तरीके से मरम्मत भी नहीं की गई है, जिस कारण भवन जर्जर हो गया है। सरपंच चुनाव से पहले सरपंचों के पुराने घोटाले सामने आने लगे हैं। पंखाजूर क्षेत्र के ग्राम पंचायत सावेर में सामुदायिक भवन की मरम्मत के लिए 1 लाख की राशि स्वीकृत की गई थी। मरम्मत का ठेका सरपंच मानी मांडवी और सचिव वासुदेव मंडल को मिला था, लेकिन भवन की मरम्मत सही ढंग से नहीं कराई गई। चुनाव के चलते सरपंच ने मरम्मत के नाम पर लीपापोती कर दी है। भवन अभी भी जर्जर हालत में है, दीवारों में दरारें नजर आ रही हैं। भवन से सटी प्राथमिक शाला बनी हुई है जिसमें बच्चे पढ़ाई करने आते हैं। जर्जर मकान की हालत देखकर लगता है यहाँ कोई भी हादसा हो सकता है। लोगों ने सरपंच और सचिव पर पैसा गबन करने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर लगातार लंबे स्तर पर चल रहे जुए की जानकारी पुलिस को मिल रही थी। ये जुआ जंगल में चलता था।
पुलिस ने जाल बिछाकर जुए की फड़ पर छापा मारा तो 16 जुआरी पुलिस के हत्थे चढ़े। 14 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, दो अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस को मौके से लाखों का नगद और लाखों का सामान मिला है। सिंगरौली के बनगवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने जुआ फट पर छापा मारा तो मौके पर 2 लाख रुपए नगद सहित लगभग 25 लाख रुपए का सामान जब्त किया। मौके पर पुलिस ने 14 जुआरी गिरफ्तार किए, दो अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस को इस बड़े स्तर पर चल रहे जुए की जानकारी सोशल मीडिया से लगातार मिल रही थी, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बरगवा पुलिस ने TI मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में कचारी जंगल में जुआ फड़ पर छापा मारकर 2 बोलेरो, 1 इंडिगो व 1 अल्टो कार और 15 नग मोबाइल सेट बरामद किए। घंटों चली कार्यवाही में जुआरियों को बरगवा थाना अंतर्गत कचारी जंगल से गिरफ्तार किया गया। मौके पर अंधेरे का फायदा उठाते हुए 2 जुआरी राजा राम साहनी और मोहम्मद हसन मौके से भाग निकले, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। SP अभिजीत रंजन ने कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि सूचना पर पुलिस टीम गठित करते हुए कचारी जंगल भेजकर कार्रवाई की गई। मौके पर अंचल के नामी ग्रामीण जुआबाजों को नकदी व बोलेरो सहित गिरफ्तार करते हुए जुआ एक्ट की धारा 13 के तहत कार्रवाई की गई है। लगातार पिछले कुछ दिनों से ये सूचनाएं मिल रही थी मीडिया के माध्यम से भी, मुखबिरों के भी माध्यम से और हमारे अपने जो अन्य स्रोत हैं उसके माध्यम से भी, कि एक टीम है जो अलग अलग थाना क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर जाकर के जुआ लगातार चल रहा है। हमने जब हमें पहली सूचना मिली थी उसके बाद भी हमने कार्रवाई शुरू कर दी तो वो वहाँ से भग गए थे वो लोग, और फिलहाल उनके बारे में सूचना मिली कि वो बरगवा क्षेत्र में कहीं जुआ खेल रहे हैं। कल रात्रि में हमने एम्बुश करके कचारी के जंगल में लगभग 7 किलोमीटर अंदर इंटीरियर में पहाड़ी के नीचे छापामार कार्रवाई की है और इनको रंगे हाथों जुआ खेलते हुए इनको पकड़ा है। कुल 15 आरोपियों को हमने इस मामले में गिरफ्तार किया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर के जंगलों में छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स के कैंप में एक जवान ने अपने ही साथियों से विवाद होने के बाद अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक साथी जवान की मौत हो गई, 2 गंभीर हैं, खुद को भी जवान ने गोली मार ली। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर क्षेत्र स्थित छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स के कैंप में एक जवान ने आपसी विवाद के बाद साथी जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी, इसके बाद खुद को गोली मार ली। घटना में एक जवान की मौत हो गई, वहीं फायरिंग करने वाला जवान गंभीर रूप से घायल है। एक जवान बीच बचाव करते समय गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया है। बस्तर IG सुंदर राजपी ने बताया कि कैंप में तैनात जवान दयाशंकर शुक्ला का उसके साथी जवान रवि रंजन से कुछ विवाद हुआ था। विवाद क्या था ये अभी पता नहीं चल पाया है। शुरुआती जांच में विवाद मामूली बताया जा रहा है, जिसमें तैश में आकर दयाशंकर ने रविशंकर पर फायरिंग कर दी, इसके बाद खुद को भी गोली मार ली। घटना में बीच बचाव करने आए जवान मोहम्मद आरिफ के पैर में भी गोली लगी है। इस घटना में रवि रंजन की मौत हो गई है, जबकि दयाशंकर का जबड़ा गोली से उड़ गया है, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। नर्मदा जयंती के मौके पर नर्मदा नदी के किनारे पूजन और नर्मदा अभिषेक किया गया। होशंगाबाद में प्रभारी मंत्री PC शर्मा ने सेठानी घाट पर जलमंच से मां नर्मदा का अभिषेक किया। उन्होंने कलेक्टर को निर्देशित किया कि शहर के गंदे पानी की एक बूंद भी मां नर्मदा में शामिल नहीं होनी चाहिए, इसके पूरे इंतजाम 1 साल में किए जाएं। उन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति एक एक पौधा मां नर्मदा किनारे लगाने का संकल्प पूरा करे। शासन प्रशासन की ओर से मां नर्मदा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हम पूरे प्रयासरत हैं। नर्मदा के सभी तटों पर सुबह से रात तक नर्मदा पूजन और अभिषेक के कार्यक्रम चलते रहे। मुख्य समारोह होशंगाबाद में हुआ, जहां प्रभारी मंत्री PC शर्मा ने नर्मदा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। शर्मा ने कहा कि मां नर्मदा के आंचल हरदा होशंगाबाद में मेरा जन्म हुआ और मां नर्मदा की कृपा से ही मुझे इस जिले का प्रभारी तथा धर्मस्य विभाग का मंत्री बनाया गया। मेरा सौभाग्य है कि मैं मां नर्मदा जयंती पर मुख्य अतिथि के रूप में आज यहां अभिषेक करने आया हूं। वचन पत्र में कमलनाथ जी ने, जो कांग्रेस के अध्यक्ष जी हैं आज मुख्यमंत्री हैं, उनने ये बात रखी थी कि नर्मदा जी और जितनी भी पवित्र नदियां हैं त्रिपुरा अपनी सभी, इनका न्यास बनेगा और अध्यात्म विभाग की तरफ से उसका प्रस्ताव हमने मंत्रिमंडल का भेज दिया है। बहुत जल्दी न्यास बनेगा और ये इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, जिसका काम ये होगा कि नर्मदा जी की या जितनी नदियां हैं इनकी स्वच्छता बनाए रखे, जो अवैध उत्खनन होता है उसको रोका जा सके और नर्मदा जी के जो परिक्रमा की प्रथा है
जो हमारी संस्कृति में उसका पास बनाना, मतलब जगह जगह डायरेक्शन नहीं होता, लोग भटकते हैं जाते हैं वहाँ तो उनके लिए कोई रुकने की जगह नहीं होती, उसके शेड और कोई जगह यात्री निवास को बनाने की उसमें बात रखी गई है। समारोह की अध्यक्षता कर रहे विधायक डॉक्टर सीता सरन शर्मा ने प्रभारी मंत्री से शहर के लिए 700 करोड़ के स्वीकृत सीवेट प्लांट प्रोजेक्ट के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग की है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि यह प्रोजेक्ट अगर पूरा हो जाता है तो मां नर्मदा में शहर की गंदगी शामिल नहीं होगी। प्रशासन को यदि मंत्री निर्देशित कर दे तो 2-3 दिन में ही जमीन मिल जाएगी। जलाभिषेक के दौरान सेठानी घाट पर करीब 30,000 से अधिक लोग मौजूद थे। प्रशासन व पुलिस ने लोगों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। गश्ती दल 10 नावों से नदी में गश्त करते रहे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिवपुत्री मां नर्मदा का जन्म माघ मास की सप्तमी तिथि को हुआ था। उसी हिसाब से हर वर्ष नर्मदा जयंती मनाई जाती है। नर्मदा जयंती महोत्सव के तहत दोपहर में सेठानी घाट पर मां नर्मदा का जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें मां नर्मदा का अभिषेक एवं कन्या पूजन कार्यक्रम हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।